Good morning, student. Here I am Nishana Praveen. Again, welcome in my moral value class. And my today's topic is the cost of anger. Yani, gusse ki kimat kya hai? Gusse ki jo kimat hai, bahut khatarnak hoti hai. Kyunki wo hume destroy kar deti hai. Hamari life ko destroy kar deti hai. Gussa jo hai, hamara sabse bada dushman hai, yani krodh. क्रोध हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, बिग एनिमी है, एक एविल है वो, एक डेंजरस जो है डेविल की तरह हमारी जो लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन माई टॉपिक विद वन कोटेशन. इफ़ यू आर पेशेंट इन वन मोमेंट ऑफ एंगर, अगर आप एक क्षण के लिए धैर्य रख लेते हैं जब आपको क्रोध आता है, यू विल एस्केप अ 100 days ऑफ सोरो. तो आप दुख के जो वो 100 दिन हैं उनको बचा सकते हैं, क्योंकि एक बार क्रोध में जो हम अपना नुकसान कर लेते हैं तो हमें पता नहीं कब तक उसका जो भुगतान है वो करते रहना पड़ता है. तो हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है. आई हैव सम पॉइंट्स. बैड टेम्पर एंड एंग्री वर्ड्स कैन हर्ट मोर देन ब्लोज. यानी हमारा बुरा व्यवहार, हमारा जो टेम्परेचर है, यानी हमारा जो आचरण ही समझ लीजिए, हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए. हमारा बुरा टेम्पर और जो हमारे क्रोध वाले शब्द हैं, जो हमारा क्रोध है, हमारे जो क्रोधित शब्द हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों को हर्ट कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं. वी मस्ट कंट्रोल एंगर बिफोर इट स्टार्ट्स कंट्रोलिंग अस. हमें जो गुस्सा है उसको नियंत्रित करना चाहिए, ये ना हो कि वो हमें नियंत्रित करने लगे. हमें अपने ऊपर काबू पाना चाहिए और अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारा गुस्सा हमें काबू करने लगे. माय थर्ड पॉइंट इज़ वी मस्ट यूज़ वर्ड्स टू शो लव एंड काइंडनेस. हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल हमेशा प्यार को दर्शाने के लिए करना चाहिए, दयालुता को दर्शाने के लिए करना चाहिए. हम मनुष्य हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग. गॉड ने हमें हार्ट दिया है. हम सब एक दूसरे से इमोशनली भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं और हम तब जुड़े रहते हैं जब हमारे अंदर प्रेम हो, हमारा मन कोमल हो, हमारे अंदर सद्भावना हो, हमारे अंदर मानवता की फीलिंग्स हो. तो हमें चाहिए कि हम अपने क्रोध को नियंत्रित करें, अपने एंगर को कंट्रोल करें, क्योंकि यही हमें डिस्ट्रॉय करता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को खो देता है, ये हमारे माइंड को कंट्रोल कर लेता है और अपनी मर्जी से सब कुछ कराता है, जिससे हमारी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो सकती है. आई वॉन्ट टू से अनदर कोटेशन. वन साइलेंस इज थाउजेंड्स एग्रीमेंट. ये मेरा मानना है जब हमें गुस्सा आता है तो हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि हमारा एक चुप 100 को हरा देता है. अगर हम चुप रहेंगे तो हम आने वाली बुरी दशाओं से बचकर रहेंगे, बुरे हालात से बचकर रहेंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से सेव कर सकेंगे और दूसरों का प्यार पा सकेंगे और उन्हें दे सकेंगे. थैंक यू. दैट्स ऑल.